Children used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that's sad, 'cause why will them people forget? In this crazy world I don't belong. I see fire burning, but I close my eyes. I'd rather deny that everything is falling out of place. I see trees ripped from the ground, but nobody makes a sound. So यहाँ से हमारा मोटर व्लॉगिंग चालू हो गया है अभी, और अभी तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हम जा रहे कि नहीं, क्योंकि वो एक ही स्पॉट में तीन चार प्लेसेस है और तीनों के प्लेसेस इतने सीनिक है ना यार, मतलब बोलते ना उसमें से मैं तीनों नहीं दो कर चुका हूँ उसमें के, एक मैं भी नहीं किया हूँ अभी तक। तो आज पहले देखते हैं हम आज कौन सा पहले स्टार्ट कर रहे हैं, हो सके उतना तो तीनों ही प्लेस कवर करने का ट्राई करूँगा, मगर देखते हैं अभी क्या होता है। और क्लाइमेट अभी तक तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, बस क्लाउडी है और होप करता हूँ कि ऐसे ही रहे, क्योंकि आज हमने रेनकोट एंड ऑल कुछ कैरी नहीं किया हूँ, बस आज मैं ऐसे ही निकला हूँ। क्योंकि जिधर हम लोग स्टे किए थे सब सामान उधर ही रख दिया हूँ मैं, और बोला इधर आया हो तो इधर के सब लोकेशन कवर करते ही जाऊँगा। तो मार्शल्स का तो हो गया हमारा, जो लोगों ने अभी तक मार्शल्स का ब्लॉग नहीं देखा होगा इधर मेरा आई बटन पर लिंक आ रहा रहेगा, मार्शल्स का ब्लॉग देख लेना, बहुत सही ब्लॉग था वो और राइड में भी बहुत मज़ा आई थी, तो आई बटन में चेक कर लेना। और अभी ये ब्लॉग में बने रहो। तो फिलहाल लोकेशन का अपडेट दे देता हूँ, तो अभी हम लोग है नियर बाय जुन्नर में, मतलब अभी हम लोग जो शिवनेरी फोर्ट आप सभी को पता होगा शिवनेरी फोर्ट के जस्ट नियर बाय है अभी, और इधर से हम लोग जाने वाले थे एक दारे घाट था इधर जो बहुत सही घाट है, और वो मैं उधर ऑलरेडी विजिट कर चुका था, मगर इंस्टाग्राम पे जब मैंने उसकी स्टोरीज एंड ऑल पोस्ट डाले थे तो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया वो लोकेशन क्या है, वो लोकेशन बताओ और किधर है क्या है। तो आज के ब्लॉग में वो लोकेशन भी रिवील करूँगा, फिर उसके बाद और भी एक लोकेशन है जो आम भी हाथी करके बोलते हैं, वो भी एक सही वाटरफॉल है, मतलब उधर बहुत सारे वाटरफॉल है मगर ये बहुत अच्छा वाला है, और रिवर्स वाटरफॉल भी उधर ही आता है, तो तीनों लोकेशन एक ही साथ में है वो। तो अभी तीनों में से हम कितने कवर करते हैं वो देखते हैं। सो फाइनली वी आर इन जुन्नर नाउ, और ये देखो कितना बड़ा फोर्ट है, देखो शिवनेरी मेरे लेफ्ट साइड में जो है ये शिवनेरी फोर्ट है। क्या बड़ा फोर्ट है यार ये, अभी तक हमारा नसीब अच्छा है कि अभी तक बारिश नहीं मिली है, बहुत ज़्यादा नसीब अच्छा है हमारा। इधर के बस रोड व्यू वाटरफॉल, बस ये ब्लॉग में पूरा वही रहने वाला है देखो, क्योंकि इतना सीनिक है ना इधर, मेरे को बोलने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे मेरी सिनेमैटिक और यहाँ के व्यू लिटरली आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, देख लेना। नसीब कुछ ज़्यादा ही साथ दे रहा है यार, बारिश नहीं होनी चाहिए थी, इधर तो पूरी धूप गिरी पड़ी है, पूरा धूप आ गया अचानक, और सब देखो क्लाउडी क्लाइमेट उधर सड़क गया। तो इतना तो मैं श्योर हूँ कि जिधर हम जा रहे हैं उधर तो धूप नहीं रहने वाली, उधर बारिश फिक्स है, क्योंकि भाई वो वाटरफॉल वाला एरिया है पूरा, और ऐसे जगह पे बारिश तो फिक्स रहती ही रहती है। मेरे हिसाब से जुन्नर से कुछ 20-25 किलोमीटर रहेगा वो, बस बीच बीच में इतने सही रोड है और कई कई ऐसे रोड है, मगर गाँव साइड एरिया यार, यहाँ पर अपन जो अच्छे रोड मिल रहे हैं वही एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, उससे ज़्यादा आप लोग अच्छे रोड इधर मिल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा एक स्टॉप ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा लाइट नाश्ता करके निकलते हैं, हाँ भूख लग रही है थोड़ी। One hour later. चलो नाश्ता करके हो गया इधर, कुछ ज़्यादा ही भी नाश्ता हो गया यार। अब
अभी तक तो बारिश नहीं मिली थी हम लोग को, मगर अभी हल्की हल्की बारिश चालू होने लग गई है। और जैसे मैंने बोला था, इधर तो बारिश मिलना ही मिलना है हम लोग को। और अभी जो सीनिक रोड चालू होगा ना भाई साहब, बस अभी रोड देखो। Children used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that said. Cause I wrote and people forget. यार नाश्ता कुछ ज़्यादा हेवी हो गया हम लोग का, पूरा आंग सुस्ती आ गई हम लोग को, क्योंकि हम लोग कल भी आए राइड से, कल 9-10 बजे हम लोग घर पहुँचे। मतलब पूरा एक्सप्लोर ही करते करते आ रहे थे, मगर बाद में बारिश ज़्यादा थी इसके लिए हम लोग ने ये नहीं किए थे, गोप्रो मैंने नहीं चालू रखा था। बाकी जो मज़ा आई थी ना कल के राइड में भी, वो नेक्स्ट लेवल थी भाई। फिर उधर से आए नाइट आउट, अभी आए तो सोने वाला तो कोई है नहीं हमारे में, हमको मालूम है। कल रात भर मस्ती मजाक सब यही चला, नाइट आउट वगैरह। और फिर सुबह में फिर से 2-3 घंटे बस सोए हम लोग, और ये राइड पे निकल गया। रोड ट्रिप का तो यही मज़ा रहता है यार। ओहो, व्यू देखो गाइस, कितने सारे वाटरफॉल है इधर। सेम मार्शल वाला सीन है इधर भी, और कितने सारे वाटरफॉल है देखो, और सब बड़े बड़े वाटरफॉल है। ऐसे नहीं कहे जो छोटे मोटे से वाटरफॉल है, देखो कितने हाइट से गिरने वाले वाटरफॉल है सर। इधर आने के साथ ही पूरा क्लाइमेट ठंडा हो गया, इधर बस ठंड लग रही है अभी। उधर आगे तो फॉग भी जमा है, मतलब उधर बारिश भी पक्का होने वाली। ये देखो व्यू, आई डोंट थिंक गोप्रो इसे जस्टिफाई कर रहा होगा, क्योंकि जो मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ और जो गोप्रो आप लोग को दिखा रहा होगा, यार कभी जस्टिफाई नहीं होने वाला वो। क्या ही व्यू है ये, क्या सीन। अच्छा इधर एंट्री चालू हो गया है, ये कब से चालू हुआ पता नहीं था। लास्ट टाइम मैं जब एक वीक पहले आके गया हूँ तब तो नहीं था ये सब। एंट्री तक कैसी नहीं है, कैश किसके पास दी इनको। दे 20 रुपए दे। ये कधी पासून चालू आहे दादा, काल पासून झालं का, तेच बोलले एक आठवडा का येऊन गेलो मी। हा काय ते आंबे हातवीसला जायला कुठं रोड आहे, हा कोणता आंबे हातवीस इकडे दिसत का। डायरेक्ट गाडी जाते तिथे का चालत जावं लागतं, गाडी जाते ना। चालेल चालेल चल चला दादा। तो एंट्रीज है इधर भी, और ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये पर बाइक है। तो एंट्रीज इतना नहीं है, बस 10 रुपये ही है, मगर तुमको बोल देता हूँ 10 रुपये इस व्यू के लिए कुछ भी नहीं है। क्या सही व्यू है रे,
पार्किंग के पास गाड़ी इधर ही लगा देते हो क्या सामने से ये गाड़ी आगे लगा देगा पीछे पूरा गाड़ी लगा दे जगह नहीं मालूम है ना कैसे लगाना पड़ेगा क्या ही व्यू है यार काय को ए चढ़ा कशी नाही चढणार अरे बाप रे चढ़ जाएगी रे गाड़ी गाड़ी का सीन नहीं है हो सके उतना गाड़ी तो ऊपर लेके आया हूँ ताकि जितना ज़्यादा ना ट्रैक करना पड़े बस उतारने का टाइम हालत ना हो जाए तो चलो अभी यहाँ से मोटर ब्लॉग सेटअप से निकलेंगे और अपने ब्लॉगिंग के सेटअप में मिलेंगे क्योंकि ट्रैकिंग करनी है थोड़ी ज़्यादा नहीं है थोड़ी सी एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट है ज़्यादा हार्ड ट्रैकिंग नहीं है तो अभी आप लोगों को मिल जाता हूँ किधर स्लिप हुआ था प्रॉपर जगह है तो ऐसा कुछ सीन नहीं है और अभी ट्रेकिंग वाला पार्ट हो रहा है हाँ अभी तक तो सब सॉर्टेड चल रहा है इतना हार्ड ट्रेकिंग कुछ है नहीं बट आगे जो व्यू है ना भाई वो तो आप सिनेमेटिक में समझ गए रहेंगे और अभी ट्रेक के मतलब बोलते हैं ब्लॉगिंग पार्ट में अभी देखो कितने सारे वाटरफॉल है आगे इतना सॉलिड ट्रेकिंग है ना इधर का ज़्यादा कुछ नहीं जब स्टार्टिंग का पार्ट है उधर हार्डली 2 मिनट का ट्रेक है बस बाकी सब स्ट्रेट स्ट्रेट एकदम प्लेन इसमें चलना है मगर आगे का व्यू क्या ही है यार हाँ लिटरली गोप्रो इसको जस्टिफाई नहीं कर पाने वाला और एकदम परफेक्ट टाइमिंग पाए देखो फॉग देखो अभी तक तो वाटरफॉल तक जाने का ऊपर तक जो सामने दिख रहा है वहाँ पे तो और फॉग मिलेगा क्या सही प्लेस है यार इसका मैं फुटेज जरूर से चला दूंगा कैसे दिख रहा है करके सो ट्रैक तो हो गया ऑलमोस्ट नहीं हो ही गया हम लोग पहुँच गए वाटरफॉल के पीछे और 2 वाटरफॉल है यहाँ पे एक देखो एक ये सामने ये छोटा वाला और एक इधर वाला अभी ये वाइड एंगल में इसके लिए आप लोग को बहुत दूर लगने लगे मगर आ गए हम लोग इधर तो उधर बहुत ज़्यादा क्राउड है और इधर थोड़ा चढ़ना पड़ेगा थोड़ा डिफिकल्ट है मगर इधर पब्लिक नहीं है तो हम लोग इस पर चलाने का डिसाइड किए और इधर ही जाने वाले हैं अभी हम हाँ बारिश भी चालू हो गई अभी तो और मेरा हाथ दुखने लग गया क्योंकि इसमें हेलमेट भी लगा के पकड़ा था मैं
ए चलो थोड़ा डिफिकल्ट है बस इधर से चढ़ना, रुक जाओ एक बार लेंस क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ से चढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है और बाकी लोग को तो देख के उन्होंने रूट ही चेंज कर लिया। चलो अपन चढ़ते हैं इधर से। बड़ा तो चढ़ना डिफिकल्ट था, यहाँ पे तो डीप भी है, देखो वहाँ पे कमर जितना पानी भी है, तो स्विमिंग कर सकते हैं। मतलब व्यू हाँ, और ये लोकेशन पे एक यहाँ पे एक फोटो सोचा हूँ मैंने, तो जो आप लोगों को साफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो फोटो आएगा ना भाई बहुत से आएगा। वर्थ वर्थ। ये देखो तुम लोग एक बार व्यू दिखा देता हूँ, पूरा 360 दिखा देता हूँ, क्या ही व्यू है इधर का। और जो एक शूट किया हम लोगों ने, लिटरली मतलब बोल रहा हूँ बहुत सारी फोटो शूट हुआ है सबका। तो एक बार इंस्टा हैंडल मेरा यहाँ पे आ रहा होगा और बाकी सबका मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग चेकआउट कर लेना, क्या ही सही शूट हुआ है। और रील्स एंड ऑल बनाए, पोस्ट बनाए, सब हो गया अभी इधर का। तो अभी ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया, तो अभी बस नीचे उतरना है। सोच तो नहीं रहा हूँ क्या नीचे उतरते के टाइम में ब्लॉग बनाऊँ, मगर देखते हैं।